हे एवरीवन, वेलकम टू मरियम की रसोई। आज मैं बना रही हूँ आम का शाही टुकड़ा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ब्रेड ली हुई हूँ और ब्रेड का मैं साइड से कट कर लूँगी। यहाँ पे मैं ब्रेड साइड से कट कर ली हूँ। अब मैं यहाँ ट्रायंगल शेप में ब्रेड को कट करूँगी। यहाँ ऐसे ही बाकी ब्रेड को भी ट्रायंगल शेप में कट कर ली हुई हूँ। और अब मैं यहाँ पे आम ली हूँ। आम का ऊपर का छिलका मैं छील लूँगी। ये करने के बाद मैं छोटा छोटा पीस कट कर लूँगी। यहाँ पे मैं छोटा पीस कट कर ली हूँ। यहाँ मैं आधा कप मिल्क पाउडर ली, 1 कप ली थी लेकिन आधा कप मैं डाल रही हूँ। और मैं इसको मिक्स कर दूँगी आम में। अब मैं सेकेंड स्टेप के लिए चल रही हूँ। यहाँ पे एक फ्राई पैन में मैं 1 कप चीनी ली हूँ और जो मिल्क पाउडर आम मिक्स की थी अब मैं उसमें डाल दूँगी। यहाँ पे मैं स्लो आंच पे रख के पकाऊँगी। तेज़ आंच पे रख के नहीं पकाना, नहीं तो चीनी यहाँ पे नीचे जल जाएगी। यहाँ पे ये मिक्स हो गया है। मैं यहाँ पे छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालूँगी और मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। बेकिंग सोडा इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि अगर ये दूध में भी डालना रहेगा तो ये दूध फट जाएगा। यहाँ पे ये पक गया तो मैं अब इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डालूँगी। यहाँ पे आम की रबड़ी तैयार हो गई है। यहाँ पे मैं 3 कप दूध लूंगी। यहाँ पे दूध गर्म हो गया है तो अब मैं यहाँ पे 1 कप चीनी डाल रही हूँ और चीनी एकदम मिक्स हो जाएगा तो मैं जो रबड़ी बनाई हुई हूँ अब उसको मैं दूध में डालूँगी, दूध में आम का फ्लेवर आने के लिए। इसको मैं तब तक पकाऊँगी जब तक इसका फ्लेवर ना आ जाए और ये अच्छे से पक ना जाए। और मैं यहाँ पे 1 कप घी ली हूँ और 2 कप तेल। तेल इस वजह से ली हूँ क्योंकि इसका अगर ज़्यादा घी लूँगी तो वह घी बहुत स्मेल आएगी। और मैं यहाँ पे ब्रेड फ्राई करूँगी इसमें। यहाँ पे ब्रेड ब्राउन हो गया हल्का हल्का। अब मैं दूसरे साइड पलट दूँगी। यहाँ पे ब्रेड हो गया है। अब मैं ब्रेड को जो दूध की चाशनी बनाई हुई थी और उसमें डिप कर रही हूँ। यहाँ पे ये डिप कर हो गया है तो मैं अब इसको एक प्लेट में निकालूंगी। मैं अब ऊपर से जो रबड़ी बनाई हूँ ऊपर से उसको ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी। और किनारे किनारे से आम से डेकोरेट करूंगी। और यहाँ पे आम का शाही टुकड़ा तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टा पे फॉलो करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। बाय।